ये आ गया वर्ल्ड फेमस बाली स्विंग, चूल्हे को धक्का मार रहा बंदा। यो तो ये सूपी मैगी नूडल्स बन के तैयार हैं। हाँ ये कुछ ऐसे पैकेट होते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की सुबह हम कर रहे हैं पूल के साथ, तो रात को यहीं पे हम इसी पूल में हमने बाथ लिया था, शाम को आगे स्विम किया काफ़ी देर, यहाँ पे अराउंड 1 घंटा हमने बिताया। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 9 और आज आराम से उठें क्योंकि आज हमने एक ही जगह जाना है। तो देखते हैं वहाँ का, जब जाएंगे तभी आपको दिखाएंगे कौन सी जगह, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कि बारिश के चक्कर में कहीं भीड़ भाड़ में हमको टिकट ना मिले तो ना मिले, तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे आगे। तो अभी बारिश भी रात से ही चल रही है, उबुद में तो भाई बारिश रुक ही नहीं रही है। ऐसे कोटा में होता था बारिश रुकती थी जाती थी फिर आ जाती थी, यहाँ तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। तो बस आज का हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, कल फिर हमारी बैक टू दिल्ली की फ़्लाइट है। टुडे इज़ 7th डे इन आवर बाली ट्रिप और आज का लास्ट हमारा आइटनरी है उबुद का। आज हम शाम को मार्केट वगैरह घूम लेंगे और अभी हमने एक एक्टिविटी के लिए जाना है, पहले वो कर लेंगे। तो आराम से निकलेंगे आज, हम कैब करेंगे यहाँ पे ग्रैब। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि 10 बजे तक बंद हो जाता है और अभी 9 बज गए हैं। जा रहे हैं क्रेटिया में और यहाँ की मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताऊँगी, यहाँ पे जैसे 2 ही लेन होती हैं आने जाने की, लेकिन कोई भी अपनी लेन तोड़ के ओवरटेक नहीं करता, सब लाइन में लगे रहते हैं चाहे वो 500-600 मीटर लंबी लाइन क्यों ना हो। और यहाँ देखो 2 हाथियों की लड़ाई हो रही है, यहाँ पर स्कूटी वाले कहीं से भी निकल जाते हैं, उनका तो भाई हक बनता, छोटी सी गाड़ी है। और यहाँ का पेट्रोल पम्प आ गया जिसको ये लोग कहते हैं परतामीना। तो ये है मेन एंट्री जहाँ से टिकट काउंटर, हमने टिकट लिया है 50K पर पर्सन क्रेटिया की। अब हमको यहाँ कहीं जाना है, एंट्री करनी है, उसके बाद अंदर देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। तो ये है कॉफ़ी जो निकालते हैं, ये खा के ये निकालते हैं, ये तो मूंगफली लग रही है वाली, ये बेचारा सो रहा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉफ़ी, इसको एक बार ही पढ़ लो स्क्रीनशॉट लेके, सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। वैसे मैं भी घर जाके पढ़ूंगा इसको स्क्रीनशॉट लेके। तो ये देखो यहाँ पड़ा हुआ है, अलग अलग फूड है जो ये खाते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। ये आ गया वर्ल्ड फेमस बाली स्विंग, एक सजावटी है फूलों वाला, एक वो है आगे, यह है टाई राइस टेरेस अलस हरम बाली, इनकी कंपनी है जो सब करवाती है एक्टिविटीज़। ये देखो ये कैसे इसको झूले को धक्का मारा बंदा। यो दिस इज एक्सट्रीम स्विंग फॉर सिंगल, पूरा बंदा ही लटक गया उसमें। ये हमारा कपल एक्सट्रीम, पर इसमें ऐसे पागलों की तरह नहीं पहन रहे। ये बेचारे असली किसान हैं, फार्मिंग करते हुए चावल लगाए उन्होंने यहाँ पे, राइस टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ पे टेरेस फार्म दिखा रहा है और ये साइकिलिंग वाला है, यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं, यू कैन चूज एंड पे एंड प्ले।
जिप लाइनिंग भी है वहाँ पे, एक और टाइप की साइकिल है, फिर स्विंग है, फिर वहाँ पे पूल है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। तो अब एकदम हम बीचों बीच पहुँच चुके हैं क्रेटिया राइस टेरेस फार्मिंग के बीच में। तो बस यहाँ पे अलग अलग स्पॉट्स बना रखे हैं फ़ोटो के लिए और वीडियोग्राफी के लिए, कि मतलब आपको सारी कॉमन चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, जो ऐसे ऊपर जो हमने अभी वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई है, हार्ट शेप में फ़ोटोज हैं, सर्कल में फ़ोटोज हैं, इसके लिए अलग अलग जगह होता था, स्विंग के लिए अलग अलग जगह होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये कॉमन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, जिसकी एंट्रेंस फीस रख ली, फ़ोटोज़ वगैरह के स्पॉट सारे उसमें कवर्ड है, लेकिन स्विंग का अलग है और क्रेट या पूल पार्टी अलग है, जैसे फिंस में हुई थी उसका अलग रेट है। तो बस ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रखा और टेरेस गार्डन और टेरेस राइस फार्मिंग भी सारी इसी में इंक्लूडेड है। सो गाइस, वी आर डन विद द बाली स्विंग एंड ऑल द रोम अराउंड फोटोशूट। अच्छा, वापस जा रहे हैं हम यहाँ से बैक टू द होटल एंड दिस इज द पूल एरिया फॉर द क्रेटिया क्लब। यहाँ पे आज नहीं जाएंगे, पूल अपने वहीं जाएंगे। तो ये है मेन एंट्री यहाँ की, आलस हरम बाली। आलस हरम यहाँ पे एक्टिविटी करवाते हैं और क्रेटिया और यहाँ पे रिजॉर्ट है जो कि पूल रिजॉर्ट है, तो उसकी यहाँ पे मेन एंट्री है, ड्रॉप पॉइंट है उसका। तो अब यहाँ बाइक या टैक्सी किसी से भी आ सकते हैं और ये पार्किंग अगर आप अपनी गाड़ी रेंट करके आ रहे हैं तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रखी है, आपके पास सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे कि आप अपने आप से आना चाहते हैं, बाइक से आ सकते हैं, गाड़ी रेंट करके भी आ सकते हैं। तो बस अब घर जाने की वापसी है यहाँ से, चलते हैं वापस घर की तरफ, सॉरी होटल की तरफ। देखो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे कि हम उसको बेचारे को गूगल ट्रांसलेट करके बता रहे हैं वो प्ले करेगा। अभी बेचारा फिर से ट्रांसलेट कर रहा है। तो अभी हम कल की यहाँ से कैब बुक करवा रहे हैं कि अगर सुबह हमको ग्रैब नहीं मिली यहाँ की ऊबर, तो एक फिक्स ड्राइवर हम रख लेते हैं यहाँ से। तो बस उससे की ये कन्वर्सेशन चल रही थी, उनको बेचारे को इंग्लिश नहीं आती तो पहले ट्रांसलेट करके बताओ, तो गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। तो लास्ट हमने ये भी ट्राई कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे सबको तो आ ही रही थी ऑलमोस्ट, हमें थोड़े कई लोगों नहीं आती, कोई बात नहीं। तो बैक टू होटल एंड द टाइम इज़ 5:30। हम पहुंच गए थे कैब से और हमने इस वाले को ही सुबह के लिए बोल भी दिया है कि हमें वहाँ कल एयरपोर्ट भी ड्रॉप कर दे। तो अभी बस हम ऋषभ के रूम में जा रहे थे, हमने पीछे देखा है यहाँ पे छोटा सा उन्होंने ऐसे स्टेप पॉन्ड बना रखा और इतनी अच्छी फिश हैं यहाँ पे, देखो ऐसे भाग रही हैं, ऐसे उनके वो थैला कर रहा हूँ भाग जाती हैं नहीं चलो एक बार ये भी देख लें भाई, अब रिजॉर्ट बुक कराया तो घूमा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। पूरा पार्क वगैरह उन्होंने बना रखा अपना पर्सनल, अगर आप सुबह उठ के टहलना चाहते हैं थोड़ा या बाहर फ़ोटो वगैरह खींचना चाहते हैं तो वो भी कवर कर सकते हैं। और एकदम सबसे मेन बात है एकदम सेंटर ऑफ द मार्केट में, सेंटर मार्केट में ही, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर वॉक करो और आप सीधा आप पहुँच जाओगे। जो हमारे होटल से व्यू आता है पीछे का रूम से, तो राइस फार्म का व्यू है बस यहाँ तक, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है फार्म। और बस अब बादल बने हुए हैं यहाँ पे, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी एक बार यहाँ पे देख लूँ, खुद भी मैं देख लूँ कि यहाँ पे क्या है कैसा है, क्योंकि कल हमारी फिर वापसी है सुबह। तो बस अभी चाय चल रही है और लेट लंच, फिर देखते हैं रात को डिनर आज बाहर कर लेंगे और फिर कल तो सुबह निकलना ही, और रात को पैकिंग भी करनी है। और मैं सोच रहा हूँ अभी खा के फिर थोड़ा पूल में नहा लूँ अगर रात को टाइम मिला तो, क्योंकि 7 बजे तक पूल बंद हो जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि हमारा यहाँ पे 8 से 9 दिन का गुजारा कैसे हुआ। तो अभी यहाँ पे हम बना रहे हैं मैगी इसमें, और इसमें हमने चढ़ाया हुआ है ये राइस है और ये दाल मखनी है, ये हल्दीराम की रेडी टू ईट है। इसमें क्या होता है, ये देखो ये दाल है, इसकी अराउंड 1 ईयर लाइफ होती है और इसमें राइस हमने डाल दिए हैं, तो इसको बस हमको 5 मिनट के लिए बॉयल करना होता है, उसके बाद बस इसको काटो, खोलो, घोलो और खा लो। तो ये अब बनने जा रही है मैगी
सेम अपने उसी स्टाइल में बनानी है जैसे हम गैस पर बनाते हैं। अभी हमने क्या किया कि इसमें पानी गर्म होने को छोड़ दिया और मैगी भी डाल दिया। मैगी अभी हम डालेंगे, अभी डालेंगे, बस तब का काम है जब हमें बाहर से ही खाना नहीं मिलता। हाँ, कल तो हमें अच्छा होटल मिल गया था। हाँ, कल तो सही था, बढ़िया खाना नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ काम चलाने के लिए बैकअप है, उसी का यूज कर रहे हैं। और मैगी इस तरीके से बना रहे हैं कि हमारी भूख भी मिटे और सही से बने, होटल का सामान खराब ना हो। यस, और साथ में हमने रेडी टू ईट और मैगी का डिपार्टमेंट ऋषभ आनंद जी को सौंपा हुआ है तो हम सारे इन पे छोड़ देते हैं। और अगर हाँ, ये कुछ ऐसे पैकेट होते हैं, ये एक राजमा का है और एक राइस का है, बिकानो का हमने राइस का होते हैं। हाँ, आप इसमें दो लोग खा सकते हो। Yes. दो लोग अपने आराम से खा सकते हो। सिर्फ इसको निकाल के बॉईल करना है केटल के अंदर, इट्स रेडी। दो तीन मिनट आप मैक्सिमम 5 मिनट से बाद एकदम गरम गरम परोसे। तो इसमें कोई हमें हल्दीराम से कोई प्रमोशनल इनकम भी नहीं मिल रही, हम वैसे ही बता रहे हैं बस आपको, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है हमारी। तो बस यही था हमारा, अगर आप बाली आ रहे हैं तो, अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो बिल्कुल मस्ट है आप लोगों के लिए। हम तो हर दिन के हिसाब से लाए हुए थे, मतलब 7 to 8 days का हम ऐसे लेके आए थे। बट अगर आप तो प्योर वेज हैं तो आप कम से कम लंच और उसका भी सोच के आना, क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल है उसमें काफ़ी स्मेल होती है, यहाँ पे ऑमलेट में भी अलग स्मेल आएगी आपको, वो भी नहीं खा पाओगे। अगर आप प्योर वेज हो तो फ्रूट के दम पे टिकना पड़ेगा, और ब्रेड बटर, बटर में भी अलग स्मेल होती है यहाँ पे, अगर वो भी आपको नहीं सही लगेगी तो फिर आप हल्दीराम जिंदाबाद, बीकानेर जिंदाबाद। तो ये सूपी मैगी नूडल्स बन के तैयार हैं, ये है हमारा केटल का कमाल। तो ये है हमारे बॉइल चावल हल्दीराम के, और ये बिकानो से लिए थे हमने वाले, ये देखो कितना ही बढ़िया हो गए हैं। ये सर्व फॉर टू है हमारा। इन सब में क्या होता है कि ये कट होता है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से बस इतना सा हमको स्लाइस करना है और ये ऐसे खुल जाता है इजीली, और जस्ट पोर द दाल। ये देखिए बहुत ही गर्मा गर्म दाल और चावल हैं। बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, और ये भी बॉइलिंग टेम्परेचर पे तो थोड़ा इसको होने चाहिए नॉर्मल, नहीं तो खाया नहीं जाएगा। तो इजी एंड सिंपल, रेडी टू ईट। तो आज डिनर का प्लान अपने होटल में बन गया, तो वी आर एट द रूफ टॉप ऑफ एविटल रिजॉर्ट्स। तो बस अभी मार्केट गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली घर वालों के लिए, और फ्रिज मैग्नेट्स तो ज़रूरी होते हैं बाली के, जहाँ भी जाओ एक बार फ्रिज मैग्नेट रख लो अपनी यादें जुड़ जाती है कि हम कहाँ गए थे कहाँ नहीं। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और मार्केट में थोड़ा चक्कर लगाया नीचे, जो हम सुबह गाड़ी में देख रहे थे हमने वो वहाँ से शॉपिंग करके जस्ट अभी ऊपर आए हैं। यहाँ पे क्लोजिंग टाइम डिनर का 8:30 होता लास्ट ऑर्डर, तो अभी 8:15 हुए और हम ऊपर आ गए हैं। तो अभी जो हमने चाय वगैरह पी थी वो 5:30 के राउंड से तो पी थी, तो अभी इतनी कुछ भूख नहीं है फिर भी हल्का बहुत खा ही लेते हैं।